सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पिछले साल दिसंबर में वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सऊदी अरब की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है। सऊदी अरब की विदेश नीति अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लक्ष्य से संचालित होती है। इसी तरह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रूस से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों की आपत्ति पर जवाब देते हुए कहा था कि यूरोप अपने हिसाब से रूस से ऊर्जा आयात कम कर रहा है। यूरोप में प्रति व्यक्ति आय 60,000 यूरो है, तब भी यहाँ की सरकारें अपने नागरिकों के लिए महंगाई को लेकर चिंतित हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,000 है। हमें भी ऊर्जा की जरूरत है और हम उस स्थिति में नहीं हैं कि ऊंची कीमत देकर तेल खरीदें। जयशंकर का ये बयान भारत की विदेश नीति में उस निरंतरता को दिखाता है जो आज़ादी के बाद से चली आ रही है। भारत की विदेश नीति की बुनियाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता में रखी थी, यानी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री अब इसी नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता को मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुध्रुवीय कह रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत की विदेश नीति के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन भारत ने मुश्किल वक्त में नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति में ही समाधान देखा। ऐसे में जयशंकर की टिप्पणी चौंकाती नहीं है, लेकिन सऊदी अरब यूक्रेन संकट में एक तरह से अपनी पुरानी विदेश नीति से बाहर निकलता दिखा और उसे भी गुट निरपेक्षता में ही समाधान नजर आया। शीत युद्ध में भारत न तो सोवियत संघ के साथ था और न ही अमेरिकी खेमे में, लेकिन सऊदी अरब कम्युनिस्ट विरोधी खेमे में था। सऊदी अरब पर्सियन गल्फ में अमेरिका के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सिक्योरिटी नेटवर्क में शामिल था, लेकिन सऊदी अरब को अब लग रहा है कि अमेरिका के साथ बंधे रहना उसके हित में नहीं है और अब वो भारत की गुट निरपेक्षता की राह पर ही चलता दिख रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध तेल के बदले सुरक्षा की नीति पर टिके थे, लेकिन ये नीति अब इतिहास में समाती दिख रही है। सऊदी अरब चीन और रूस के नेतृत्व वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO में भी डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल हो गया है। इसके अलावा आने वाले वक्त में सऊदी अरब ब्रिक्स में भी शामिल हो सकता है। भारत पहले से ही इन दोनों संस्थाओं में पूर्णकालिक सदस्य है। सऊदी अरब के SCO में शामिल होने को भी शीत युद्ध वाले अमेरिकी खेमे से पल्ला झाड़ने के रूप में देखा जा रहा है। भारत, तुर्की, UAE और सऊदी अरब को मिडिल पावर वाले देश के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर अमेरिका की अगुवाई वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती दी है और चीन उसका साथ दे रहा है। एक तरफ भारत यूक्रेन संकट के बाद से रूस से सस्ता तेल आयात बढ़ाता गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लाख कहने के बावजूद सऊदी अरब ने तेल उत्पादन नहीं बढ़ाया बल्कि उसमें भारी कटौती कर दी। अमेरिका को नाराज करते हुए सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला लिया तो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, सऊदी ने तेल उत्पादन में कटौती कर साफ संकेत दे दिया है कि तेल की कीमत मुनाफे के स्तर पर रखने के लिए जो भी जरूरत होगी उसे वो करेगा। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान सऊदी फर्स्ट की नीति पर काम कर रहे हैं। इसी बीच एक बयान ये भी आ रहा है कि भारत और सऊदी से रूस को सीधा फायदा हो रहा है। भारत के मामले में ये बात जहां तेल खरीदने के संदर्भ में है, तो वहीं सऊदी के मामले में ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज के सीनियर रिसर्च फेलो अदि इम्सिरोविक ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि सऊदी अरब के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले से सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। अमेरिकी नेतृत्व को लेकर सवाल केवल पश्चिम एशिया में ही नहीं उठ रहे हैं बल्कि यूरोप में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के चीनी दौरे पर देखने को मिला, जब उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि यूरोप को अमेरिका का पिछलग्गू बनने से पहले खुद को रोकना चाहिए। मैक्रों ने ये भी कहा था कि ताइवान कोई यूरोप से जुड़ी समस्या नहीं है और अमेरिका चीन की लड़ाई में यूरोप को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए।